फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये पूछते हैं कि एज और सो एज में क्या फर्क है, जबकि इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। यानी एज मींस उतना जितना और सो एज मींस उतना जितना, तो इन दोनों की मीनिंग सेम है। तो फिर हम कैसे समझे कि कब हमको एज का इस्तेमाल करना है और कब हमें सो एज का इस्तेमाल करना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझे। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि मैं आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से सिखा सकूं। तो आइए फ्रेंड्स, देखें वो क्या एग्जांपल्स है। यहाँ लिखा हुआ है, तुम उतना काले हो जितना एक भैंस। तो मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है, यू आर एज ब्लैक एज अ बुफेलो। और फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल है, तुम उतना काले नहीं हो जितना एक भैंस। तो मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है, यू आर नॉट सो ब्लैक एज अ बुफेलो। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं कहूंगा ये तो तय है कि एज मीन्स उतना जितना या सो एज मीन्स उतना जितना, इन दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों की मीनिंग सेम है। लेकिन अगर बात यूजेज की करें तो मैं आपसे कहूंगा एज का इस्तेमाल आप पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस नेगेटिव हो यानी नकारात्मक हो तो आप एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको नकारात्मक वाले सेंटेंसेस में एज की जगह पर सो एज का इस्तेमाल करना होगा। यही फर्क है फ्रेंड्स एज और सो एज में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने उतना और जितना के लिए एज का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए उतना और जितना के लिए हम सो और एज का इस्तेमाल किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये डिफरेंसेस हमेशा याद रखेंगे। आइए एक एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है, वह उतना मोटा है जितना आप। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, ही इज एज फैट एज यू। चूंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है, इसलिए मैंने उतना और जितना के लिए एज का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम बात इस सेंटेंस की करें तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि आप यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। तो इस सेंटेंस में आप उतना और जितना के लिए एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उतना और जितना के लिए सो एज का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जब आपके सेंटेंसेस नकारात्मक हो यानी नेगेटिव हो तो एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एज के जगह पर सो एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसलेट किया है, ही इज नॉट सो फैट एज यू। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह कंसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि एज और सो एज में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।